दिल्ली का चुनाव है। पूनम जी ने, कीर्ति आजाद जी ने, प्रियंका जी ने, पीसीसी प्रेसिडेंट ने आपको लोकल मुद्दों के बारे में बताया। एमएलए के भ्रष्टाचार के बारे में बताया। यहां की जो सड़कें हैं, जो यहां का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके बारे में बोला। और इन चीजों के बारे में शायद आपसे बेहतर कोई जानता नहीं, क्योंकि आप इन सड़कों पे चलते हो, पानी पीते हो यहां का, तो आप जानते हो दिल्ली में किसने क्या किया, स्कूल किसने बनाए, कॉलेजेस किसने बनाए, यूनिवर्सिटियां किसने बनाई, मेट्रो किसने बनाया, एयरपोर्ट किसने बनाया, ये आप जानते हो, तो मुझे ये दोहराने की जरूरत नहीं। आज देश के सामने एक भयंकर मुद्दा है। हिंदुस्तान के युवाओं के भविष्य का मुद्दा है। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, सही बात बोली थी, 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार दूंगा, सही बात थी, सोच सही थी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 5 साल हो गए, केजरीवाल जी के हो गए, मोदी जी के हो गए, मैं दिल्ली के हिंदुस्तान के युवाओं से पूछना चाहता हूं, रोजगार आपको मिल गया क्या? दो करोड़ छोड़ो, यहां पे इस मीटिंग में एक युवा है, एक लड़का या लड़की है जो कह सकती है हां केजरीवाल ने, नरेंद्र मोदी जी ने मुझे रोजगार दिया है। हमारे युवा स्कूल जाते हैं, दिन भर पढ़ाई करते हैं, उसके बाद कॉलेज यूनिवर्सिटी जाते हैं, एग्जाम लेते हैं, और ये पूरा काम करने के बाद हिंदुस्तान उन्हें कहता है, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री, दिल्ली का चीफ मिनिस्टर कहता है, हम तुम्हें रोजगार नहीं दे सकते, हम तुम्हें रोजगार नहीं देंगे, तुम जिंदगी भर कुछ नहीं करोगे। यह आज हिंदुस्तान की सच्चाई है। और दूसरी तरफ देखिए, जहां भी आप देखो, ये जो आपने टेलीफोन पकड़ रखे, इसके पीछे देखो मेड इन चाइना, अपनी शर्ट के पीछे देखो मेड इन चाइना, जूते के नीचे मेड इन चाइना, जहां भी आप देखो मेड इन चाइना। दुनिया के सब देश कह रहे हैं कि चाइना को बैलेंस करने की जरूरत है, नफरत से नहीं, गुस्से से नहीं, प्यार से कंपटीशन करके चाइना को बैलेंस करने की जरूरत है। और दुनिया के सब देश, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, इटली, सब के सब देश कह रहे हैं कि एक ही देश, एक ही युवा चाइना को बैलेंस कर सकता है, और इस उस देश का नाम हिंदुस्तान। और पूरी दुनिया कह रही है, पूरी दुनिया कह रही है कि जिस प्रकार चाइना में मैन्युफैक्चरिंग, जिस प्रकार चाइना में फैक्ट्रियां लगाई गई, शांत हो जाए एक मिनट, पूरी दुनिया कह रही है जिस प्रकार चाइना में फैक्ट्रियां लगाई गई, उसी प्रकार हिंदुस्तान में हम फैक्ट्रियां लगाना चाहते हैं। आप जानते हो, मुझे कुछ ही दिन पहले पता लगा, आप जानते हो
चाइना की सबसे बड़ी फैक्ट्री में, चाइना की सबसे बड़ी फैक्ट्री में कितने युवा काम करते हैं आप जानते हो? कोई बता सकता है कि चाइना की सबसे बड़ी फैक्ट्री में कितने चाइना के युवा काम करते हैं? मैं बताऊंगा, हिल जाओगे। हिंदुस्तान में 5,000 लोगों की, 10,000 लोगों की फैक्ट्री लगती है। चाइना की सबसे बड़ी फैक्ट्री में 12 लाख युवा काम करते हैं, एक फैक्ट्री में 12 लाख युवा। अब पूरी दुनिया कह रही है कि मेड इन चाइना को चैलेंज करने के लिए मेड इन इंडिया ही कर सकता है। पूरी दुनिया की कंपनियां कह रही हैं कि हम अपना पैसा, हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, हम हिंदुस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, हम दिल्ली में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, हम पैसा डालना चाहते हैं। हिंदुस्तान को उसी प्रकार की फैक्ट्री बनानी चाहिए। नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं, केजरीवाल क्या कहते हैं? नरेंद्र मोदी कहते हैं, मैं हिंदुस्तान को रोजगार नहीं दिलवाना चाहता हूं, मुझे रोजगार देने की कोई जरूरत नहीं, मैं तो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को बांटना चाहता हूं। मैं इस देश में जो एकता थी उस एकता को नष्ट करना चाहता हूं, मुझे नया हिंदुस्तान चाहिए, हिंसा वाला हिंदुस्तान, नफरत वाला हिंदुस्तान, महिलाओं पर बलात्कार वाला हिंदुस्तान, बेरोजगारी वाला हिंदुस्तान, मुझे तो वो हिंदुस्तान चाहिए। मैं तो नरेंद्र मोदी हूं, मुझे पुराने हिंदुस्तान की जरूरत नहीं। एक तरफ पूरी दुनिया देखती है, कहती है भैया हम मेक इन इंडिया को सफल करना चाहते हैं, मगर वो जो पुराना हिंदुस्तान, प्यार वाला हिंदुस्तान, एकता वाला हिंदुस्तान, वो हमें चाहिए। सिर्फ हिंदुस्तान नहीं चाहती, बाकी देश चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर कोई देश चाइना का मुकाबला कर सकता है तो उस देश का नाम हिंदुस्तान। और बटा हुआ हिंदुस्तान, टूटा हुआ हिंदुस्तान, हिंसा का हिंदुस्तान, नफरत का हिंदुस्तान कभी भी चाइना का मुकाबला नहीं कर सकता। नहीं भैया, राहुल गांधी की बात नहीं है, हिंदुस्तान के युवाओं के हाथ में हथकड़ी बंद रखी है। आप ये बात समझिए, जब तक हिंदुस्तान के युवाओं के हाथ से हथकड़ी नहीं टूटी जाएगी, तोड़ी जाएगी, तब तक हिंदुस्तान चाइना का मुकाबला नहीं कर सकता। और आज इस भाषण को, आज इस भाषण को बहुत सारे युवा देख रहे हैं, सिर्फ इस मीटिंग में नहीं, टेलीविजन पे देख रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, देखो आपको शायद गलतफहमी है, आपको शायद लगता हो कि आपने पूरी जिंदगी पढ़ाई की, पूरा दम लगाया, सालों आपने काम किया, एग्जाम लिए, क्यों किया, देश को आगे बढ़ाने के लिए, और आज आपको लगता होगा कि सामने रास्ता बंद है, दरवाजा बंद है, दीवार खड़ी है आपके सामने, आपको लगता होगा। और कभी कभी आपके दिल में यह भी सवाल उठता होगा कि कहीं आप में कमी तो नहीं है, कहीं रोजगार ना मिलने का कारण आप में कोई कमी तो नहीं है। और मैं आपको इस स्टेज से बताना चाहता हूं, आप गलत फहमी में मत आइए, आप में कोई कमी नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूं, अमेरिका के राष्ट्रपति ओबामा ने कहा कि सिर्फ हिंदुस्तान और चाइना के युवा अमेरिका का मुकाबला कर सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ने आपके बारे में कहा है, और मैं आप में पूरा भरोसा करता हूं।
हिंदुस्तान के युवाओं में पूरा भरोसा करता हूं कि जिस दिन आपके हाथ से ये हथकड़ियां उतार दी गईं, उस दिन मेक इन इंडिया पूरी दुनिया में चमकता हुआ आपको दिखाई देगा। नरेंद्र मोदी ने क्या किया, केजरीवाल जी ने क्या किया, झूठ बोल के। देखिए हमारा इतिहास है, झूठ बोल के वो सत्ता में आए हैं। नरेंद्र मोदी जी ने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का झूठ, किसानों को सही दाम देने का झूठ, इकोनॉमी को खड़े करने का झूठ, केजरीवाल जी ने कांग्रेस पार्टी के बारे में झूठ बोलकर ये लोग सत्ता में आए हैं। जो झूठ बोलकर सत्ता में आएगा, मैं आपको बता रहा हूं, वो आपके लिए काम कर ही नहीं सकता, उसमें वो दृष्टि नहीं है जो आपके लिए काम कर सकता है।